हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम वीडियो आपको बताने जा रहे हैं, भारत सरकार ने न्यू एक पेमेंट मेथड जो लॉन्च जो किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई रुपया ऐप के बारे में। सीधी भाषा में कहें तो सारा आप लोग जान जाइएगा कि ई रुपया है क्या, क्या है, इसका फायदा है, सारा आप लोग जान जाइएगा इस वीडियो को देखकर। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं बर्बर टेक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ई रुपया। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ई रुपया क्या है। पहले आपको बता दें कि ई रुपया एक पेमेंट लेन देने का एक मेथड है, जो कि आसानी से पैसा हम लोग दूसरे से ले सकते हैं या अपना जो पैसा दूसरे के पास जो विदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ई रुपया एक प्रीपेड ऑनलाइन वाउचर है। आपको बता दें कि इसके मेथड से हम लोग आसानी से पैसा दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑलरेडी मंगा भी सकते हैं। ये जो जो ई रुपया के किसने बनाया है, तो आपको नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे जो बनाया है, खुद इंडिया ने इसे जो बनाया है, ताकि मेथड पेमेंट जो लेने में और भी आसानी जो हो सके। आपको बता दें कि इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा ई रुपया में, आपको क्यूआर कोड एंड एसएमएस के आधार पर आपको ई भाषा तैयार जो किए जाएंगे। आपको बता दें कि ई रुपया है पूरी तरह से आपको कॉन्टेक्टलेस एंड जो कैशलेस जो बना सकता है एनसीसीपी के द्वारा। आपको बता दें कि यह एक पेमेंट का जरिया ही बहुत ही बढ़िया एक जरिया है। आपको बता दें कि इसमें आपको जो सरकार द्वारा जितना भी फंड आता है, जो लाभदायक लोगों को पहुंचाया जाता है, कल्याण योजना का लाभदायक, सीधे से जो लाभदायक के बिना किसी डेबिट कार्ड के या बिना इंटरनेट बैंकिंग के सीधे से उनके पास जो आसानी से जो पहुंचाया जो जा सकता है ई रुपया के माध्यम से। ई रुपया को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी ऐप को जो डाउनलोड जो नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी तक कोई ऐप जो नहीं जो बनाया गया है। ई रुपया में एसएमएस और क्यूआर कोड से आसानी से आप लोग पैसा जो ट्रांसफर जो कर सकते हैं या भुगतान जो कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। आपको बता दें कि जो ई रुपया में आपको किसी भी लाभदायक और पैसा विदा करना होगा या पैसा मंगाना होगा, तो उसके लिए आपको एक सिंपल जो ट्रिक जो बनाया गया है, इसके लिए आपको एसएमएस पर मोबाइल फोन पर एसएमएस दिया जाएगा या तो आप क्यूआर कोड से जो कि उसे पैसा जो भेज सकते हैं या पहुंचा जो सकते हैं। और ई रुपया पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड का जो कि कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको जो यूपीआई जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का कोई इसमें जो जरूरत जो है ही नहीं है। अब बोलते हैं कि इसमें किसी भी अन्य सेवा को जो इसमें प्रदान जो नहीं किया है, आपको ये पूरा गारंटी देता है ई रुपया की आपको टाइम पर आपको पेमेंट है जो पहुंचाएगा जो किसी कहीं पर आप पैसा जो सेंड कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि वीडियो में नाम जो लिया जा रहा है ई वाउचर का, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ई वाउचर से हमें जो सरकार या अन्य जो कंपनियां है क्या फायदा जो हो सकता है। आप बताते हैं कि सरकारी एंड विशेष योजना के लिए विशेष वाउचर जो जारी किया जाएगा, जो कि निश्चित अवधि से तक काम जो करेगा, जैसे पीड़ित के लिए मदद हो गया एंड जो खास ई रुपया जैसे वाउचर बनेंगे कि उन्हीं लाभदायक के पास जो जाएगा कि ई गिफ्ट के तहत जो कार्ड जो डिमडम जो हकदार होंगे। विशेष रूप से फायदा होगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो कि फायदा होगा जो ई रुपया से। आपको बता दे कि जो ई रुपया के लिए आपको बैंक अकाउंट या डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई या स्मार्टफोन नहीं भी है तब भी आप जो कर सकते हैं ई रुपया को। आपको बता दें कि वो लाभदायक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आम आदमी तक सीधा पैसा जो पहुंचाया जो जा सकता है पूरे जो गारंटी के साथ। आपको बता दें कि इसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया एंड जो अन्य काफी सारे जो योजनाएं हो गए, यह जो वाउचर सरकार द्वारा जो आ सकती है आपके लिए कंपनियां, संस्था एवं तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को भी इसलिए वाउचर जो दिया जा सकता है, इसे आसानी से जो इस्तेमाल जो कर सकते हैं जो कर्मचारी होंगे या लाभदायक को आसानी से जो कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ई रुपया क्या है, कैसे इसमें जो आपको वर्क करता है, सारा आप लोग जान गए होंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, साथ साथ दोस्त को पास शेयर कीजिए एंड अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए।